स्मार्ट माइक्रो बिजनेस डेवलपमेंट पोल्ट्री फार्मिंग वीडियो में आपका स्वागत है। यह आपको निर्देशित करेगा कि आधुनिक मुर्गी पालन कैसे हो और अपने क्षेत्र में कैसे एकीकृत किया जाए। आधुनिक सुविधाओं में अंडा उत्पादन से अधिक राजस्व भी कमाते हैं। यह मुर्गी पालन भोजन के लिए अंडे की खेती के उद्देश्य से पालतू मुर्गी की दौड़ की प्रक्रिया है। किसान मांस और उनके अंडे दोनों के लिए भोजन के स्रोत के रूप में 50 बिलियन से अधिक चिकन की वार्षिक दौड़ लगाते हैं। वाणिज्यिक मुर्गियां आमतौर पर 16 से 20 सप्ताह की उम्र में अंडे देना शुरू कर देती हैं। लगभग 25 सप्ताह की आयु के बाद से सभी निर्माण धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इसका मतलब है कि कई देशों में लगभग 72 सप्ताह की आयु तक झुंडों को आर्थिक रूप से अविभाज्य माना जाता है और लगभग 12 महीनों के अंडे के उत्पादन के बाद उनका वध कर दिया जाता है। हालांकि मुर्गियां स्वाभाविक रूप से 6 या अधिक वर्षों तक जीवित रहेंगी। अंडे देने वाली प्रणालियों में पर्यावरण की स्थिति अक्सर स्वचालित रूप से नियंत्रित होती है। उदाहरण के लिए प्रकाश चरण की अवधि शुरू में 16-20 सप्ताह की आयु में अंडे देने की शुरुआत को बढ़ाने के लिए बढ़ जाती है। फिर गर्मी के दिन की लंबाई जो मुर्गियों को पूरे साल अंडे देने के लिए सामान्य रूप से उत्तेजित करती है। अंडे का उत्पादन केवल गर्म महीनों में होता है। मुर्गी की कुछ व्यावसायिक नस्लें प्रति वर्ष 300 से अधिक अंडे का उत्पादन कर सकती हैं। पिंजरा आमतौर पर आधुनिक प्रणालियों में धातु से बना होता है। आवास 3 से 8 मुर्गियां। दीवारें ठोस धातु या जाली से बनी होती हैं और फर्श को तार की जाली से ढक दिया जाता है ताकि मल को गिराया जा सके और अंडे को बाद में इकट्ठा किया जा सके। पानी आमतौर पर ओवरहेड निप्पल सिस्टम द्वारा प्रदान किया जाता है और आवश्यकताओं के अनुसार नियमित अंतराल पर पिंजरे के सामने एक गर्त में भोजन। बैटरी पिंजरों को कई पंक्तियों के रूप में लंबी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है, अक्सर एक ही खलिहान में बैक टू बैक के साथ पिंजरे। बैटरी के पिंजरे वाले कई मंजिल हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि एक एकल शेड में कई दसियों हजार हो सकते हैं। बैटरी पिंजरों के लाभों में पक्षियों की आसान देखभाल शामिल है। फर्श पर रखे हुए अंडे, जो इकट्ठा करने के लिए महंगे हैं, को खत्म कर दिया जाता है। अंडे क्लीनर हैं और बिछाने के अंत में कब्जा शीघ्र हो जाता है। अंडे के उत्पादन के लिए आमतौर पर कम फीड की आवश्यकता होती है। ब्रूडनेस खत्म हो जाती है। अधिक मुर्गियां किसी दिए गए घर के फर्श में रखी जा सकती हैं। आंतरिक परजीवियों का अधिक आसानी से इलाज किया जाता है और श्रम आवश्यकताएं आमतौर पर बहुत कम हो जाती हैं। प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक पक्षी हैं। यह अधिक उत्पादकता और कम खाद्य लागत के लिए अनुमति देता है। फर्श की जगह 300 सेमी 2 प्रति मुर्गी से ऊपर की ओर होती है। 2003 में यूरोपीय संघ के मानकों ने कम से कम 550 सेमी 2 प्रति मुर्गी का आह्वान किया। बैटरी के मुर्गों के लिए उपलब्ध स्थान को अक्सर A4 पेपर के टुकड़े के आकार से कम वर्णित किया गया है। पशु कल्याण वैज्ञानिक बैटरी पिंजरों के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि वे मुर्गों को खड़े होने, चलने, अपने पंख फड़फड़ाने या घोंसला बनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं देते हैं। और यह व्यापक रूप से माना जाता है कि मुर्गियां इन व्यवहारों को करने में असमर्थ होने के कारण बोरियत और हताशा से पीड़ित होती हैं। यह असामान्य व्यवहारों की एक विस्तृत श्रृंखला को जन्म दे सकता है, जिनमें से कुछ मुर्गियां या उनके पिंजरे के साथी के लिए हानिकारक हैं। सुसज्जित पिंजरे विधि बैटरी पिंजरे प्रणाली का एक विकसित संस्करण है। इस प्रणाली में मुर्गियों को बैटरी केज सिस्टम की तुलना में अधिक स्थान और सुविधाएं मिलती हैं। मुर्गियों के लिए एक सुसज्जित पिंजरे में वॉक पच, फ्लैप, उनके पंख, घोंसला, विशेष चारा और पानी के बर्तन आदि के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। विधि की मुख्य विशेषताएं: 1. पक्षियों की देखभाल करना बहुत आसान है। 2. अंडा इकट्ठा करने के लिए बहुत आसान है। 3. साफ अंडे। 4. अंडे का उत्पादन करने के लिए कम फीड की आवश्यकता होती है। 5. हजारों मुर्गियां घर के एक विशिष्ट तल स्थान में रखे जा सकते हैं। 6. पक्षी आंतरिक परजीवियों से कम पीड़ित होते हैं। 7. विस्तृत लागत बहुत कम है।
यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई संदेह है तो कृपया टिप्पणी करें, हम संभावित उत्तर के साथ जवाब देंगे। यह हाईटेक पोल्ट्री फार्म द्वारा बनाया गया है। स्मार्ट माइक्रो बिजनेस डेवलपमेंट, नीलेश्वर, कासरगोड जिला, भारत में केरल राज्य।